भारत के सबसे बड़े आदमी ने मिलाया अखिलेश यादव से हाथ। सपा में शामिल हुआ देश का सबसे बड़ा आदमी। सपा के साथ आने से अब अखिलेश की बढ़ी ताकत। अखिलेश यादव ने तस्वीरें की साझा तो मची सनसनी। बीजेपी खेमे में भी बढ़ गई तस्वीरों को देखकर खलबली। देखिए कौन है देश का सबसे बड़ा आदमी जो सपा में आया। देखिए कैसे अखिलेश यादव ने पार्टी में करवाई एंट्री। समाजवादी पार्टी में विरोधी दलों के नेताओं की एंट्री तो हो ही रही है, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले तमाम ऐसी हस्तियां पार्टी के साथ जुड़ रही हैं जिनके आने से सपा की शान में तो चार चांद लग ही रहे हैं, साथ ही साथ पार्टी की ताकत भी बढ़ रही है। अब तक तो बड़े लोगों को बीजेपी में शामिल होते आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे खुद बीजेपी भी सकते में दिखाई दे रही है। और सपा के खेमे में देश के सबसे बड़े आदमी ने एंट्री क्या ली कि बीजेपी के पेट में खलबली मच गई। वहीं सपा ने इस हस्ती के पार्टी में आने पर खुशियां जाहिर की और उम्मीद जताई है कि अब पार्टी को नई ताकत और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा भी मिलेगी। अब तक तो बीएसपी और बीजेपी के तमाम नेता ही सपा में एंट्री ले रहे थे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के गुट ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन अब जिस शख्स ने पार्टी में एंट्री ली है वो कल से लगातार सुर्खियों का सबब बना हुआ है। हम किसकी बात कर रहे हैं वो तो आप समझ ही चुके होंगे, और नहीं समझे हैं तो फिर आइए हम आपको मिलवाते हैं देश के सबसे बड़े आदमी से, जिसने सपा में एंट्री लेते ही सियासत में भूचाल सला दिया है। गौर से इस तस्वीर को देखिए, जिसमें देश के सबसे बड़े आदमी यानी लंबाई में सबके गुरु और तमाम रिकॉर्ड्स बनाने वाले धर्मेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और पार्टी में शामिल हो गए। धर्मेंद्र प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। पार्टी में धर्मेंद्र के शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने इनके साथ की तस्वीर को ट्वीट कर साझा किया और लिखा कि आज प्रतापगढ़ के श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली, जिनके पार्टी में आने से नई ऊर्जा और पार्टी को नई ताकत भी मिलेगी। धर्मेंद्र प्रताप सिंह की एंट्री सपा में होने के बाद वो एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं और हर तरफ उनकी चर्चाएं हो रही हैं। सपा के तमाम नेताओं का कहना है कि बीजेपी की हकीकत जनता के सामने है और जनता जान चुकी है कि अब बीजेपी के राज में हक मिलना नामुमकिन है। ऐसे में बीजेपी को विदाई देने के लिए जहां आवाम तैयार है, तो वहीं तमाम जनसेवक और प्रबुद्ध लोग सपा के साथ आकर बीजेपी की विदाई का इंतजाम करवाने में लगे हैं, जिसमें एक नाम धर्मेंद्र प्रताप के तौर पर और जुड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।